नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रिया। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। वास्तुशास्त्र में घर बनाने से लेकर घर को सजाने तक के नियम बताए गए हैं। घर से जुड़ी कई चीजों के साथ साथ जूते चप्पल रखने का संबंध भी वास्तुशास्त्र से होता है, क्योंकि अगर घर में रखी हर चीज वास्तु के अनुसार हो तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर घर की चीजों के साथ साथ जूते चप्पल रखने में वास्तुशास्त्र का उपयोग ना किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष होने से घर पर कलह, कलेश, धन संबंधी समस्या, बीमारी और अशांति बनी रहती है। इसलिए जूते चप्पल रखने और उतारने से पहले इसकी सही दिशा के बारे में जानना जरूरी है। अक्सर हम जल्दबाजी में घर पर आते हैं और कहीं भी जूते चप्पल उतार देते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत तरीका बताया गया है। ऐसा करने से न सिर्फ घर का वास्तु दोष बिगड़ता है बल्कि इससे आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे घरों में हमेशा धन की समस्या बनी रहती है, इसलिए जूते चप्पल कहीं भी उतारने से पहले इसकी दिशा के बारे में जरूर जान लें। उत्तर या पूर्व दिशा में जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि जब हम कहीं से बाहर आते हैं तो हमारी जूते चप्पल में धूल, मिट्टी और गंदगी लगी होती है। अगर इन गंदे जूतों को आप उत्तर या पूर्व दिशा में उतारे या रखते हैं तो इससे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। वही जूते चप्पल रखने के लिए दिशा भी बताए गए हैं। आमतौर पर सभी घरों में जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड या कोई अलमारी होती है, जिसे रखने का भी एक उचित स्थान होता है। जूते चप्पल की अलमारी या स्टैंड को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप कहीं से बाहर आते हैं तो जूते चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारें। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। वही जूते चप्पल के रैक को कभी भी पूजा घर या किचन की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। साथ ही पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या अग्नेय कोण और ईशान कोण में जूते चप्पल की रेक या अलमारी नहीं बनवानी चाहिए। इसके लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की दिशा उत्तम मानी गई है। घर में अगर जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं तो घर के सदस्यों का आपसी संबंध खराब होने लगता है। वहीं बेड के नीचे जूते चप्पल रखने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।